जब जिंदगी का तमाशा और असासा सिर्फ माजी की याद हो, हसरतों का शुमार हो, निदामतों की बाज़गश्त हो, हाथ से निकले हुए मौके का अफसोस हो, गलत फैसलों का एहसास हो, तो समझ लीजिए जवानी ख़त्म हो गई और बुढ़ापा शुरू हो गया। बूढ़े आदमी का कोई मुस्तकबिल नहीं, उसकी ज़िंदगी में किसी नए या खुशगवार वाक़े का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। वो देखता है उसके साथी एक एक करके रुखसत हो रहे हैं, वो देखता है और सोचता है उसका वक्त भी किसी वक्त आ सकता है। ज़रूरत के नाम पर गैर ज़रूरी अशिया जमा करता है जो इसे परेशान करती हैं। इंसान को जवानी ही अपनी बात एतदालियों की वजह से बुढ़ापे में तब्दील हो जाती है। अगर जवानी हदूद और हिफाजत में रहे तो बुढ़ापे फासले में ही रहते हैं, जब जवानी में आपसे बाहर हो जाती है तो बुढ़ापा दाखिल हो जाता है। इंसान को समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। जवानी की खुशखुराकी खौर बेसाखौरी मैदे की बीमारी बनकर बुढ़ापे में आपके सामने आती है। खुशनासी के दिन, खुशनासी के ज़माने, ज़िंदगी की मार्फत का दौर, मौत के तयन का दौर, माँ बाप की हकीकत की जलवागरी का वक्त, तकरबे इलाही की घड़ी। खुशनसीब है वो बूढ़ा जो हसरत व निदामत से आज़ाद है, जो मुतमिन है, पुरसकून है, आशनाए राज है, आगा है, हकीकत है, मुहरमे हस्ती है, मकाओं ला मकाँ के फ़र्क को जानता है, जो कतरे और कुलजम की वहदत से आशना है, जो लज्जत वजूद से आज़ाद है और हवस सज से बेनहाज है, जिसका हासिल कबीला हासिल नहीं हो सकता क्योंकि इसका हासिल इसकी खुशनासी है, और जिसने अपने आप को दरियाफ्त कर लिया उसने सब कुछ ही पा लिया, हमेशा हमेशा के लिए हमा हाल साहिब हाल हो गया। उम्मीद करता हूँ आज की इस महफिल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।